राज्यात पुढील 2 दिवस मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. शनिवारी 19 आणि रविवारी 20 जूनलाही मोठा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गोवा हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल एम यांनी याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. लो प्रेशर एरिया जो है वो वीकेंड हो गया है, लेकिन दो अलग सिस्टम है जो अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी को, इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी को गोवा के ऊपर बरकरार रखने वाला है आने वाले 3 दिनों तक. तो जो वेरी हैवी रेनफॉल हम बोल रहे थे, रेनफॉल एक्सीडिंग 12 सेंटीमीटर्स, वो और 3 दिन के लिए यानी कि 16, 17 और 18, ये 3 दिनों तक भी गोवा के ऊपर रहने का प्रोबेबिलिटी है. और इसके कारण जो ऑरेंज कलर्ड वार्निंग जो है हमने इशू किया है गोवा के नॉर्थ गोवा साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर 18 तक आने वाले दिनों में, यानी कि कल से 17 तक ये एक्टिविटी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी वेरी हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी हम रोल आउट नहीं कर सकते. इसलिए ऑरेंज कलर वार्निंग है 3 दिनों तक, और उसके बाद 18 के बाद 19 और 20 को रेनफॉल एक्टिविटी भी कम होगा, और येलो कलर वार्निंग उन दोनों दिनों के लिए इशू किया है. लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी जो रीसेंट है रेनफॉल कंटिन्यू करने का, उसको एक ऑफशोर ट्रफ सब बोलते हैं, वो सब सिस्टम के कारण विंड स्पीड भी रहेगा 40 to 50 किलोमीटर समटाइम्स अलॉन्ग विद द रेन. जब रेन इंटेंस रेन होता है तो उसके साथ अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का विंड भी इन दिनों में रहने का चांस है. फिशरमैनों को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आने वाले 4 दिनों में 19 तक वो सी में मत जाएं, क्योंकि विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा. मड स्लाइड्स जो बोलते हैं उसके भी चांसेस से, लोकलाइज्ड लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस से, घाट साइड में भी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा अगर कंटिन्यूस बारिश हो रहा है तो. तो ये सब जो डिटेल्ड इम्पैक्ट जो इतने सीवियर वेदर का है, वो सब IMD के वेबसाइट में हमने पब्लिश किया है. हम इश्यू करते हैं हर दिन.